गले का क्रॉस निकलते ही उसके पंख उग जाते हैं और वो हवा में उड़ने लग जाता है। तभी पहले उसके पंख में और फिर पूरे शरीर में आग लग जाती है और आग से जलकर वो एक राक्षस में तब्दील हो जाता है। तभी उसके सामने खड़ा आदमी उस पर गोलियां चलाने लग जाता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। अब राक्षस उस आदमी के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था। वो आदमी अपने घुटनों पे बैठ जाता है और अचानक एक नुकीली चीज लेकर उसके पेट पे वार करता है, लेकिन राक्षस उसे उठाता है और फेंक देता है। तभी उस आदमी की तरफ बहुत सारे सांप आने लग जाते हैं और देखते ही देखते उसे पूरी तरह लपेट लेते हैं। एक सांप आता है और उसके मुंह में घुस जाता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। इसे मारने के बाद ये राक्षस भी मिट्टी का पुतला बन जाता है।